नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार मोहन, डायरेक्टर एंड रुचि हरियाणा। साथ ही जैसे कि पिछले लगभग 3.5-4 महीनों से हम आपको दिखा रहे हैं पूरे हरियाणा की एक एक न्यूज, गांव की हो, शहर की हो, बड़े कस्बे की हो, तो कितना विकास हुआ है सरपंचों के द्वारा, निगम परिषद के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा, सरकार से कितना सहयोग मिला है, कितना प्रशासन से सहयोग मिला है। आज हम पहुंचे हैं जिला गेहूं के गांव उजीना में, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उजीना से ही श्री संजय सिंह विधायक है, जो भाजपा से विधायक हैं सोना से छोकर साहब। आज उजीना गांव के जो सरपंच है वो भाई भगवत सिंह जी हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट से, सरकार से, प्रशासन से कैसा सहयोग मिला और कितना विकास हुआ। भगवत जी कैसे हैं? हाँ जी, ठीक है जी। सबसे पहले तो भाई भगवत जी, मैं आपको बीपीए न्यूज पर सर्वप्रथम जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ। दूसरा, बीपीए न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आए हैं और जो हमारी बात आपने सुनी है हमारे, और नए साल की शुभकामनाएं आपको भी, आपके चैनल को भी, सभी भाइयों को मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये योजना आपकी लगभग खत्म हो चुकी है सरपंच जी में, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे सरपंच साहब, एजुकेशन क्या आपकी? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है और अभी जो है इलेक्शन का वो चल ही रहा है, मध्य सिर पे आया हुआ है इलेक्शन का, कभी भी डेट दे सकते हैं, कभी ड्रा हो सकता है, तो अभी सभी जो कैंडिडेट हैं अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो जैसे भी सरकार की डेट निश्चित हो जाएगी तुरंत अपने सभी भाई। तो सर, ये 5 साल की जो योजना रही सरपंच साहब, ये कैसी रही, कैसा विकास कार्य हुआ आपके इसमें, प्रशासन से कैसे सहयोग मिला? हमें 5 साल के जो कार्यकाल में हमें गांव से भी मान सम्मान, सभी भाइयों का, सभी समाज का और प्रशासन का भी, सभी का सहयोग मिला हमें हर तरीके। सर, ऐसा कोई 70 साल से जो ऐसा कोई काम आपने नया किया हो जो अब तक नहीं हुआ था और वो आपके ही योजना में हुआ? अभी जो हमारे गांव में एक बड़ी समस्या थी, जो खेलने का स्टेडियम नहीं था, वो अभी स्टेडियम भी हमारे गांव में बन गया है जो सरकार ने दिया है, और हमारे इधर पावर हाउस जो लाइट की बहुत किल्लत रहती थी, लाइट और पानी की, जो हमें बड़े जल्द में निजात उससे भी मिल गई है, और पावर हाउस भी अभी इसी महीने के लास्ट में या जनवरी में ये सब स्टेशन भी बनने वाला है, और जो वो 24 घंटे लाइट की सुविधा मिल जाएगी। दूसरा सर, आपने महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष किया? महिलाओं के लिए जी ऐसा, यहाँ पे जो है कॉलेज के लिए हमारी वो है मांग, हमारी जो बहनें जो बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, सीएम साहब से हमने पहले लॉकडाउन से पहले हमने मुलाकात करी, उनसे कॉलेज के लिए मांग करी, तो उन्होंने बोला कि आपके प्लस टू स्कूल अपग्रेड करवा लो, अगले सेशन में वो ले जाना, तो लॉकडाउन के चक्कर में हमें वो कॉलेज नहीं मिली, और हम जल्द में सीएम साहब से मिलकर कॉलेज की घोषणा करें ताकि हमारी बहनों को पढ़ाई में वो रियायत मिल सके, तो उन्हें ना जाना पड़े। दूसरा सरपंच साहब, एक मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है, अभी 2 महीने से लगभग, सबसे पहले सरपंच होने से पहले आप एक किसान है, किसान के बेटे हैं और किसान अन्नदाता है, कांग्रेस पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो जो भी उनके समर्थन में आ रही है, अभी बिजली बोर्ड वाले भी शायद मेवात के 17 तारीख को DC ऑफिस का घेराव करने वाले हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे, सरकार का अड़ियल रवैया है या किसानों का अड़ियल रवैया है, या मतलब ये क्या चल रहा है? देखो जी, इसमें जो है जो सरकार ने जो नियम बना दिए हैं, जो एक कानून बनाया है, तो उसमें सरकार देखो उसमें कुछ चेंजिंग कर सकती है, मगर पूरी तरीके से तो हटा नहीं सकती, मगर मैं ये कहता हूँ ये किसान भाई है, इस पे भी हमारा सारा जो समाज टिका हुआ है, अन्नदाता है जो, तो उनको भी उनकी किसी प्रकार की कोई वो ना रहे, और उसमें सरकार को इनको दोनों को मिलकर बैठ के और ये सारा समाधान करना चाहिए, तो ये हंगामा जो रोड जाम ये सारी चीज हर रोज की नहीं होनी चाहिए, आम आदमी परेशान हो चुका है इसमें, क्योंकि रोड जाम है, जो नौकरी जा रहा है जो वैसे जा रहा है, किसी के डेथ होगी, किसी के सुख में दुख में, तो वो रोड पे जा रहा है, रोड जाम मिलते हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी आ रही है जी। तो सर, अभी 2 महीने के बाद में लगभग हो सकता है कि फरवरी में चुनाव डिक्लेयर हो, क्या कम्प्लीट हो जाएंगे, तो आगे की क्या रणनीति है भगवत जी? आगे की रणनीति यही है, समाज ने मुझे जो ये मान सम्मान दिया है, और मैं हमेशा समाज के साथ रहूंगा दुख सुख में, और आगे का जो भी रहेगा, देखो मुझे जब मान सम्मान मिला तो औरों को मान सम्मान मिलना चाहिए, औरों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, मुझे मौका मिला था क्यों, और उनको मौका मिलना चाहिए, और समाज का एक अच्छी प्रतिनिधि चुन के यहाँ से जाए जो गांव के विकास कार्यों में सुचारू रूप से रहे।
करवाया। तो उजीना गांव आपका फौजियों की लिस्ट में सबसे बड़ा गांव है, लगभग हर एक घर में दो या तीन फौजी है। और आज मैं भारतीय सेना दिवस की भी आपको बधाई देता हूँ, आज भारतीय सेना दिवस है, इंडियन आर्मी डे है। तो भाई और कुछ सरकार से आप अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ जी, जो सेना हमारी जो सर पे जो लगी हुई है ऐसी ठंड में, और वो अपने बच्चों को छोड़ के वहाँ पे, उनका थोड़ा सा हर तरीका से ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब इतनी सर्द हो रही है जो अटैक पड़ रहे हैं हमारे, मेरे गांव से ही अभी पिछले सप्ताह एक सूबेदार अटैक गंगानगर में ड्यूटी थी, जो अटैक के कारण एक्सपायर हो गया था। जी जी जी। तो ऐसे अभी मेरा और साथी है, जो मेरा मित्र है जो जम्मू कश्मीर में है, वो ये बता, मेरे वहाँ पे तीन बंदे अभी कैजुअलिटी हुई थी, हालांकि हमारे लड़ाई में नहीं मरे। जी जी जी। ये हमारे अटैक और उससे, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो उनको बड़े सेफ्टी और उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनको जो हमारे फौजी सेफ्टी प्रकाशन जो भी आइटम है वो प्रोवाइड करने चाहिए। तो धन्यवाद भगवत भाई, आप हमारे बीपी न्यूज चैनल के साथ में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई भगवत जी, और इन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी डे है आज, और मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारे गांव में से भी लगभग हर घर से एक एक दो दो फौजी है, और एक अभी सूबेदार थे और उनकी ड्यूटी गंगानगर लगी हुई थी और वो हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गए। तो फौजियों पे जय जवान जय किसान का नारा यूं ही नहीं बना है, जवानों के ऊपर हमारा देश टिका हुआ है और किसानों के ऊपर हमारे जीवन टिका हुआ है। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं प्रेम कुमार बहुत हरियाणा।